आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दिवाली पर मैं खुशखबरी लेकर आ रहा हूं, जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में सुनवाई टलने के बाद सीएम योगी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए दुख की घड़ी है, जनभावना का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन अध्यादेश मामले पर हमें धैर्य रखने की जरूरत है। दिवाली पर मैं खुशखबरी लेकर जा रहा हूं, जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। बता दें कि पिछली बार योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दिवाली मनाई थी, ऐसे में माना जा रहा है कि इस दिवाली अयोध्या में ही वो कोई घोषणा करेंगे। सुनवाई टलने के बाद बीजेपी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे संतों का यहां धैर्य भी जवाब दे रहा है। संत समाज लगातार इस मामले में अध्यादेश लाने की बात कह रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय में है, देश की माननीय उच्चतम न्यायालय अयोध्या से जुड़े मुद्दे की सुनवाई कर रही है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, 132 करोड़ आबादी की आस्था का प्रतीक है, हम सबको धैर्य रखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि अवश्य इस समस्या का समाधान होगा। हिंदू तो हिंदू है और मुझे लगता है कि कम से कम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चौथी पीढ़ी में राहुल गांधी अपने को हिंदू कह रहे हैं, इस देश के लिए एक अजूबा जरूर है, क्योंकि पंडित नेहरू ने तो अपने को एक्सीडेंटली हिंदू कहा था, तो राहुल गांधी ने अपने को हिंदू तो कहा और इस हिंदू होने के नाते कम से कम मंदिर तो जा रहा है, ये हमारी वास्तव में विजय है, हिंदुत्व के प्रति आस्थावान लोगों की ये सबसे बड़ी विजय। देखिए अयोध्या का आज विकास हो रहा है, अयोध्या एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में इसी दिन से संपन्न होने जा रहा है, बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे, अच्छी दिशा में आगे बढ़े, दीपोत्सव का कार्यक्रम पूरा भव्य होगा, दिव्य होगा, अयोध्या को देश और दुनिया के सामने रखने का आयोजन होगा।